नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है सेंट मोबाइल, इसका यूजर आईडी भूल जाते हैं या इसका लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं या इसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसे हम लोग कैसे फॉरगेट करें, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले सेंट मोबाइल को ओपन करेंगे। सेंट मोबाइल को ओपन करने के बाद यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम अपना यूजर आईडी भी भूल चुके हैं, लॉगिन पासवर्ड भी भूल चुके हैं और ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी भूल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों के फॉरगेट करने के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन दिया गया है फॉरगॉट क्रेडेंशियल, तो यहाँ फॉरगॉट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है फॉरगेट यूजर आईडी। तो पहले हम लोग अपना यूजर आईडी फॉरगेट करेंगे। फॉरगेट एम पिन दिया गया है लॉगिन पिन को फॉरगेट करने के लिए और फॉरगेट टी पिन ट्रांजेक्शन पिन को फॉरगेट करने के लिए। तो पहले हम लोग अपना यूजर आईडी ही फॉरगेट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे सीआईएफ नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे आप अपना सीआईएफ नंबर डाल दें, उसके बाद सबमिट कर दें। जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालकर सबमिट कर दें। अगर ओटीपी मोबाइल पे नहीं गया है ओटीपी डाल दें, अगर ओटीपी आपका मोबाइल पे नहीं गया है तो रीजनरेट पे क्लिक करें, अगर गया है तो प्रोसीड कर दें, डालकर ओटीपी प्रोसीड कर दें। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है यूजर ऑथेंटिकेशन का, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ब्रांच टोकन आईडी के थ्रू और एटीएम मशीन के थ्रू। तो हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं, अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी आपका आईडी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग फिर आप फॉरगेट क्रेडेंशियल पे जाएंगे और अपना लॉगिन पिन चेंज करेंगे। तो फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सीआईएफ नंबर फिर डाल देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ओटीपी यहाँ पे डाल दें, ओटीपी डालकर प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद फिर आपको यूजर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू यूजर ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है सेट एम पिन, तो जो भी आपको 4 डिजिट का एम पिन रखना है वो पिन यहाँ पे डाल दें। आपको ऑप्शन दे दिया गया है सेट एम पिन, जो भी आपको 4 डिजिट का लॉगिन पिन रखना है वो लॉगिन पिन यहाँ पे डाल दें, न्यू 4 डिजिट एम पिन डाल दें। उसके बाद उसी पिन को कन्फर्म कर दें, उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सक्सेस हो चुका है लॉगिन पासवर्ड, सक्सेस हो चुका है लॉगिन पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली। तो अब आप सेंट मोबाइल को लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग यूजर आईडी पर जाएंगे, यहाँ पे अपना जो भी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी डाल देंगे, जो हमने अभी सेट जो भी हमने लॉगिन पिन बनाया है लॉगिन पिन डाल देते हैं। देखिए उसी लॉगिन पिन से ये ओपन हो चुका है। अब इसे हम लोग पहले लॉग आउट करते हैं। अब हम आपको जो इसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसे फॉरगेट करके दिखाते हैं। फिर हम लोग जाएंगे फॉरगेट क्रेडेंशियल पे, फॉरगेट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है फॉरगेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो यहाँ पे अपना सीआईएफ नंबर डालेंगे, सीआईएफ नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर उसको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दें, ओटीपी डाल के सबमिट कर दें। अगर ओटीपी नहीं गया है तो रीजनरेट का ऑप्शन देता दिया जाता है आपको, रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद इसका ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग इसका यूजर आईडी और पासवर्ड के नेट बैंकिंग के यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसे सबमिट कर देते हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं, अब सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन दे दिया है सेट टी पिन, अपना ट्रांजेक्शन पिन बना लें। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है सेट टी पिन, तो यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना ले, मिनिमम 8 डिजिट का रहना चाहिए और मैक्सिमम 10 डिजिट का रहना चाहिए, और इसमें स्पेस नहीं दें, स्पेस नहीं चलेगा इसमें। न्यूमेरिकल डाल दें, अल्फाबेट डाल दें, न्यूमेरिकल डाल दें,
तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, जो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो सक्सेसफुल सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आपका बन चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।